अच्छा ठीक है बेबी, अब मैं काम पे जा रहा हूँ। अरे बेबी ये सब अपन रात में करेंगे, अभी मुझे काम पे जाने दो। अय्यास पत्नी हत्ते चढ़ गई है मेरे। ठीक है बेबी, अब मैं जा रहा हूँ बाहर से ताला लगा के। अरे बेबी ताला इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस मोहल्ले के सभी लोगों के लोड़े 10 इंच के, कोई तुम्हारी अंदर आके फाड़ ना दे। सच्ची मोहब्बत कैसी, शादी होते ही निकल गई गाड़ी काम पे। भोसड़ी के बात मत कर मेरे से, मेरी शादी में नहीं आया तू। रशियन को पेलने डोडर में चला गया था, 4 दिन में अब आया। मैंने सुना है तूने गूंगी लड़की से शादी की है। गूंगी जरूर है पर बहुत समझदार है। तेरा लेती भी होगी तो आवाज नहीं करती होगी। अबे मादरचोद तमीज से बात कर, भाभी है तेरी, बहुत समझदार लड़की है, वो मुझे निभा के चलेगी। मुझे भी चलेगी ना निभा के। अबे फटे हुए कोंडम की पैदाइश, तेरे कहने का मतलब क्या है? अरे मेरे कहने का मतलब है तेरे घर आऊंगा तो चाय पानी का पूछेगी कि नहीं मेरे से? शादी में तो आया नहीं, अब घर आ गया केला पकड़ा हुआ क्या? कान खोल के सुन ले, तेरी भाभी बहुत संस्कारी की लड़की है, गैर मर्द की तरह पांव उठा के भी नहीं देखती है, फोकट ख्याल मन में लाना मत। अबे लंडे के तो अपने बचपन का दोस्त है और दोस्त पे शक कर रहा है। तेरी लुगई मतलब मेरी जान, अरे मतलब भाभी जान। अरे सॉरी यार भाई, एक तू ही तो है जिस पर मैं सगे भाई से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये ले घर की चाबी, घर के अंदर तेरी भाभी है, उसका ध्यान रखना और उसे कुछ जरूरत हो तो उससे पूछ लेना। ठीक है अब मैं चलता हूँ यार, मुझे काम पे आना है। वैसे भाई सुन। बोल। अब तुझे तेरी सच्ची मोहब्बत की याद तो नहीं आती? नहीं यार, अब उस लड़की की याद नहीं आती है, अब तू उसे गाली बक मेरी तरफ से। बकू गाली बुरा तो नहीं मानेगा? माँ का भोसड़ा तेरी सच्ची मोहब्बत का। इसके घर जाके देखता हूँ कौन सी गूंगी चुदक्कड़ को दुल्हन बना के लाया है ये। भाभी जी मैं तुम्हारे पति का सबसे खास दोस्त हूँ, तुम्हारी शादी में थाईलैंड चला गया था रशियन को पेलने, इसलिए तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। भाभी जी मैं तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताना आया हूँ, तुम्हारे पति को एड्स है, अगर तुमने उससे पुंगी बजवाई तो तुम्हें भी एड्स हो जाएगा। तुम मुझसे पुंगी बजवा लो अगर तुम्हें एड्स से बचना है तो। अब ज्यादा सोचो मत और घोड़ी बन जाओ। खत्म। आज बहुत थक गया हूँ यार, आज किसी ठेके पे जाके 2 पेग मार के थकान उतारी लेता हूँ। एक पेग मुझे भी पिला दे यार। लंडके फ्री में नहीं आती है, गांड बनाना पड़ेगी, लोड़ा भी मुंह में लेना पड़ेगा। अबे लंड पकड़ू, फ्री में नहीं मांग रहा हूँ तुझसे, पैसे दे रहा हूँ, बोतल ला इधर। मेरा जिगरी दोस्त मेरी सच्ची मोहब्बत के पति के साथ क्या कर रहा है? और काम आ चुदारा आजकल, वो तेरा साथ वाला दोस्त कहाँ है? अरे वो गांडू, वो दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पे कलंक है। उसने क्या तेरी वाइफ को पेल दिया क्या? अरे वो क्या मेरी वाइफ को पेलेगा, मैंने उसकी वाइफ को आज घोड़ी बना के पेला है। तुम जैसे गद्दारों ने दोस्ती की रिश्ते की माँ चोद रखी है। जबरदस्त पिछवाड़ा है उसकी वाइफ का। एक बार मुझे भी पिलवा दे यार तेरे दोस्त की लुगाई पर। बिल्कुल पिलवा दूंगा तुझे उस पे। पर उसकी वाइफ पिलवा तो लेगी, कुछ बोलेगी तो नहीं? अरे कुछ नहीं बोलेगी, वो तो गूंगी है और मुंह में तो ऐसा लेती है जैसे क्रीम रोल। पर मैं क्यों हिलवाऊं तुझे, तू घर पे जाके तेरी वाइफ को पेल। अरे एक ही कुएं को खोद खोद के मन भर गया मेरा। एक शर्त पे पिलवाऊंगा तुझे, मेरे दोस्त की लुगाई पर।
बोल क्या सड़ते। तू मुझे तेरी वाइफ पे पिलवा दे, मैं तुझे मेरे दोस्त की लुगाई पे पिलवा दूंगा। बहन के लोड़े मुझे तेरी शर्त मंजूर है, जा मेरे घर और पिल दे मेरी वाइफ को। नाटक तो नहीं करेगी ना मुझे देने में? देने के मामले में कभी नाटक नहीं करती है मेरी वाइफ। ये ले मेरे दोस्त के घर की चाबी और बजा के आजा ढोल। बहन के लोड़े ने दोस्ती में गद्दारी कर दी है, आज इन दोनों की जान ले लूंगा। अब क्या करूं यार, मेरी सच्ची मोहब्बत को बचाऊं या मेरी वाइफ को बचाऊं? बाय बाय टाटा। सच्ची मोहब्बत से जुदाई होने के बाद शादी करके लाया था एक संस्कारिक लुगाई, लेकिन वो बहन की लोड़ी भी करवा रही है जमाने से जुदाई। अब ज्यादा हंसो मत मेरे पे सालों, वीडियो को फैला दो। हेलो गाइस, गाइस यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हर जगह फैला दीजिए। और गाइस नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है नेक्स्ट लेवल के साथ। लव यू गाइस।